प्रबुद्धं प्रबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच निचंग धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने या फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके बाद में जो स्मारक निर्माण किए गए, यानी कि जो बौद्ध स्तूप, बौद्ध गुफाएं या फिर बौद्ध स्मारक, इनका निर्माण सारे भारत भर में किया गया। ये आज अनदेखे है, यह वीरान है। इनकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। वैसे हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य की, और बिहार राज्य में मतलब ज्ञान प्राप्ति से पहले बोधिसत्व सिद्धार्थ और ज्ञान प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध, या जहाँ जहाँ पर ठहरे हैं, जहाँ जहाँ पर वे गए हैं, वहाँ वहाँ पर सम्राट अशोक और सम्राट अशोक इनके बाद में अनेकों स्मारक निर्माण हुए हैं। तो इन स्मारकों की जानकारी हम ले रहे हैं। तो आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का यह जो वीडियो है यह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के लौरिया जो तहसील है, लौरिया यहाँ के जो सम्राट अशोक का स्तंभ है, सम्राट अशोक जो स्तंभ है वह देखने वाले, और साथ ही साथ यहाँ पर अनेकों स्तूप है और वह स्तूप आज अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ लौरिया यहाँ से लौरिया नंदनगढ़ नाम की जो जगह है, बहुत ही भव्य ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिसकी जानकारी हम लेने वाले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वीडियो है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर तथागत बुद्ध ठहरे थे या फिर जहाँ जहाँ पर सिद्धार्थ बोधिसत्व ठहरे थे, वहाँ वहाँ पर यानी सम्राट अशोक ने जो शाही यात्राएँ की थी उसमें आमतौर पर लुम्बिनी हो, कपिल वस्तु हो, या फिर रामपुरवा हो, या फिर ये लौरिया हो, या फिर लौरिया अरेराज हो, या फिर उससे पहले केसरिया हो, या फिर वैशाली हो, यहाँ पर हमें सम्राट अशोक इनके पिलर दिखाई देते, सम्राट अशोक इनके स्तंभ दिखाई देते, उन्हीं में से यह एक स्थल है। लेकिन यहाँ पर जो स्तूप हम देखने वाले, वो स्तूपों का जो रहस्य है वो आज तक लोगों के सामने नहीं आया, तो उसकी जानकारी हम लेने वाले। तो यहाँ तक जाने के लिए हम डायरेक्ट जो है बेतिया आ सकते हैं, और बेतिया से बाय बस बाय ट्रेन यहाँ तक हम आ सकते हैं लौरिया यहाँ तक, और इन स्तूपों को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम पटना जंक्शन से बेतिया होकर बस से यात्रा करते हुए लौरिया यहाँ तक आए हुए हैं। पटना से लौरिया का अंतर 210 किलोमीटर इतना है। आप यहाँ पर आने हेतु बेतिया से ट्रेन से भी आ सकते हैं, जो पाटलिपुत्र जंक्शन से चलती है। पटना से आते समय हमें रास्ते में वैशाली, केसरिया, लौरिया अरेराज इन जैसे महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं, जिनकी जानकारी आपको जल्द ही मिलने वाली है। इनमें रामपुरवा, जिन्हें बीतीहरवा कहा जाता है, यहाँ पर सम्राट अशोक इनके एक साथ दो स्तंभ पाए गए हैं। यह सभी स्थली भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई है, फिर भी प्रचार प्रसार के अभाव से इन स्थलों की हानि होती जा रही है। हम आए हुए पश्चिमी चंपारण के लौरिया, यहाँ पर लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पर लौरिया से कम 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर सम्राट अशोक इनका अशोक स्तंभ है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप भी है, स्तूप हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का सम्राट अशोक इनका जो अशोक स्तंभ है वह देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार टूरिज्म विभाग द्वारा यहाँ पर अशोक स्तंभ जो है उसका एक बोर्ड लगाया गया, और यहाँ पर स्तूप का भी उल्लेख किया गया। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का जो नंदनगढ़ स्तूप है वह है। और साथ ही साथ देखिए आप इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जितने भी आप होर्डिंग देखोगे रोड के ऊपर लगाए गए, या फिर यहाँ पर जो होर्डिंग लगाए गए इसमें अमूमन यहाँ का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का जिक्र किया गया है, और इन स्तूपों का और ये जो स्तंभ है स्तंभ का उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो ये जो रूट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी रूट से आइए आप लोग,
इसी रूट से सम्राट अशोक जो है वह नेपाल गए थे, जहाँ पर तथागत बुद्ध का जन्म स्थान है जो लुम्बिनी है, या फिर जहाँ पर तथागत बुद्ध रह चुके थे यानी कपिल वस्तु है। यहाँ की जो यात्रा है सम्राट अशोक ने इसी मार्ग से मगध से की थी और पाटलिपुत्रा से यह यात्रा का आरंभ हुआ था। तो हमारे साथ यहाँ पर बिहार राज्य के कुछ युवक है, वह यहाँ पर ही रहते हैं, यह स्थानिक है यहाँ के, और यह भी इस यह जो यहाँ का प्राचीन स्थल है इसमें रुचि रखते हैं। इनको भी यहाँ के जो प्राचीन स्थल है इसके बारे में जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारे आप देखोगे तो आसपास बहुत बड़े बड़े टीले यानी कि प्राचीन जो बौद्ध स्तूप है जिन्हें हाल ही में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है, उन्हें बॉर्डर मार दी गई है। ये सारा क्षेत्र जो है बहुत ही ऐतिहासिक और अपने आप में अनेकों कहानियां बयां करने वाला यह पूरा प्राचीन पुरातात्विक क्षेत्र है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो स्तूप पाए गए हैं, इन स्तूपों में से जिस प्रकार से पिंपरवा यहाँ के स्तूपों में से अस्थियाँ पाई गई थी, या फिर वैशाली यहाँ से अस्थियाँ पाई गई थी, ठीक उसी प्रकार की अस्थियाँ यहाँ पर से बरामद की गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। यहाँ के जो कुछ स्तूप है वह खेती के लिए समतल कर दिए गए। यहाँ पर अमूमन 20 स्तूप है और एक सबसे बड़ा जो जिसे लौरिया नंदनगढ़ का किला कहा जाता है वो भी बहुत बड़ा स्तूप है, वह वेदी का स्तूप है, उसके भी हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और आखिर तक बने रहे। तो हम यहाँ से युवकों से बात करेंगे। हम सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर सोनू कुमार जी है, यहाँ इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो सोनू सर, यहाँ पर कितने लोग आते हैं, ये लोगों को पता है या नहीं, आपके लोगों को ये चीज़ क्या है? यहाँ पे पहले तो जानकारी नहीं थी, इसे पुराने नाम से लॉर्ड बाबा बोला जाता है। लॉर्ड बाबा मतलब क्या? सबसे ऐतिहासिक पुरानी जगह जो भी होती है उसे यहाँ का समाज पूजता है। तो यहाँ सबसे लॉर्ड बाबा का मतलब होता है, लौरिया का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। अच्छा। ठीक है, जहाँ तक तो कोई रह कर गए पुरुष जो लॉर्ड? नहीं, ऐसा कोई ऐतिहासिक तो अभी तक नहीं मिला है। जहाँ तक लौरिया की बात है, लौह का मतलब होता है लौह, डिया मतलब लौह, मतलब लोहा और डिया मतलब जो टिका हुआ। ठीक है ना, तो मतलब ये नॉर्मल सी भाषा में हुए। जहाँ तक रियलिटी की बात है तो ये अशोका के द्वारा अशोका के 27वें वर्षगांठ के कंप्लीट होने की खुशी में इसे बनाया गया था। और यहीं से पहली बार ये मैसेज दिया गया था कि मेरे राज में देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं कि मेरे राज में आज से हंस चीचक और जो भी छोटे छोटे पशु या पक्षियां हैं उनकी हत्या कानूनन वैध होगी। अगर कोई हत्या करता है तो वो सजा के पात्र होंगे। तो यहाँ पर सोनू कुमार जी बहुत जानकारी इस जो स्तंभ है स्तंभ के बारे में रखते हैं और वह बहुत ही अपने दिल के करीब इसे समझते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर आपका नाम सर आकाश कुमार सर जी, तो वह भी है। तो आपको क्या इस क्षेत्र के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? इस क्षेत्र के बारे में मुझे यही अमूमन जानकारी है जो जहाँ तक सोनू बता रहे हैं। सोनू के साथ में हम कुछ दिन कोलाइवेट में वर्क किए थे। कोलाइवेट में वर्क करते वक्त हमको भी इस क्षेत्र में रुचि और हमारे एक मित्र अभी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है नीतीश कुमार को, हम लोग तीन लोगों ने इसको शुरू किया था लॉकडाउन के टाइम से। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, इन्फ्लुएंस है इस जगह का। इन्फ्लुएंस इस बात के लिए कर नहीं है कि ये अपने आप में बौद्ध स्थल, इस बात के लिए लेकर है कि यहाँ का हिंदुत्व को लेकर जागरूकता है। और हिंदुत्व इस बात के लिए, इस बात को धन्यवाद भी है कि हिंदुत्व ने इस चीज़ को संरक्षित करके रखा है। तो आप आसपास के देखिएगा तो यहाँ का कूड़ा करकट और बहुत जगह आप खुद अपने वीडियो में बताए हैं कि दो तीन जगह का समतल कर दिया गया। ठीक, ये बात सही है, यहाँ बात सही है कि यह अपने आप में एक जितना डेवलपमेंट होना चाहिए बूथ सर्किट के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए था, इस चीज़ को उस चीज़ को क्लियर रूप से किया नहीं गया। इसका कारण है यहाँ का पॉलिटिकली रूप से बैकवर्ड होना। इसका कारण है कि यहाँ के लोगों के बीच में अवेयरनेस इस बात के नहीं है कि ये एक बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक बेटर देन और बेस्ट पहले से। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने इस चीज़ को संरक्षित करने में और अच्छा योगदान दिया। लेकिन यहाँ का प्रकृति का मार यहाँ पर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है आए दिन यहाँ पर आपको। अभी तो आप अभी समर वाले सीजन में आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर रेनी सीजन में आते, अगस्त या सितंबर के टाइम में आप आते तो देखते हैं कि यहाँ पर फ्लडिंग पूरा तरह से, यहाँ पर एवरी टाइम द फुल
पूरा पैक रहता, पानी से पूरा ये भरा पड़ा रहता। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे फूल भी लगाए हुए थे लोग, स्थानीय लोग, और ये सब फूल धीरे धीरे समाप्त हो गए। ठीक। और यहाँ पर हाल फिलहाल में लगभग एक डेढ़ साल पहले यहाँ पर एक बुद्धा स्मृति पार्क भी बना हुआ था, लेकिन उसका अब जो भी कुछ कहे, अब घटिया निर्माण कहे या ये कहें कि इस बात के लिए कि इस पर ज़्यादा बेटर देन इस चीज़ को करना चाहिए था, वो चीज़ हुआ नहीं और फ्लड आया और उस चीज़ को आप देख रहे हैं कि आज ही पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा तरह से ध्वस्त हो चुका है। ठीक ठीक है। और यही सब चीज़ है। और इसके बारे में स्थानीय रूप से ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ भी प्राप्त हुए थे कि जो अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ को दर्शाता है। ठीक। कोलकाता में, हाँ ये बात सोनू द्वारा मुझे ये मालूम चला था कि हाँ जो कोलकाता में रखा गया है। और इसके करीब ये एक जो इलाका है अपने आप में एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको टाइगर रेंज मिल जाएगा, बाघ वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक। और यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर जाने के बाद आपको कुशीनगर पहुँच जाइएगा यूपी साइड में। और यहाँ से आप 15-20 किलोमीटर बाद निकलने के बाद आप नेपाल वाले अंतर्राष्ट्रीय एरिया में पहुँच जाइएगा। तो ये जगह अपने आप में ही खूबसूरती और मायने का रखता है। लेकिन हाँ यही चीज़ है कि इसका पिछड़ापन जो है भू सर्किट से ना जुड़ना, यहाँ का अभी तक कोई डेवलपमेंट का कोई कार्य तो दिखता नहीं है। और आपसे बताया क्या देखवे किए कि गेट की क्या दशा है, फ्लड की क्या स्थिति है, और यहाँ का SH हाईवे जो है उस पर भी अभी तत्काल में रोक लगा हुआ है कि इसको स्टॉप किया गया है कि आज को कि ना हो। ठीक। घर के तरफ मुंह कर। हाँ हाँ। देखिए यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे आज से 10-15 वर्ष पहले बाढ़ को रोकने के लिए वो वहाँ पर पाया दिलवाए हुए हैं, जो नहीं दीवार जो अरिया है RR पर करके बाढ़ रोकने के लिए। हाँ। लेकिन क्या किया जाए, पुल पास करके इसी पर दे दिया है, पानी का जो धार आएगा। हाँ। इसको पिलर का भविष्य में गिरा सकता है, उसी लिए पुरातत्व विभाग उसको रोका हुआ है। वहाँ पर आके वहाँ तक भी गड्ढा कर दिया था, वहाँ पर आके पानी वहाँ से आके पुल के द्वारा आता है, मारता है, इसका फोर्स इसी पर मारता है, डायरेक्ट स्तंभ के ऊपर ही मारते हैं। पूरा यहाँ का विकास हुआ कुछ नहीं हुआ है, क्या कहा जाए, यहाँ का स्थानीय पॉलिटिक्स कहिए चाहे जो भी कहिए, पूरा बाढ़ में सब डूब जाता है पूरा। ये सर ऐसे टीले आने को और थे क्या? नहीं, 24 टीला है यहाँ की इतिहास में, NCERT के बुक में भी इसका वर्णन है, लौरिया का क्या कहा जाता है कि हाँ इस सबका पूरा NCERT के बुक में पढ़ाया जाता है। हाँ, हम लोग पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं लोग। ये भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, यहाँ के लोग मैंने अपभ्रंश भाषा में इसको भिस्सा भिस्सा कहते हैं। हाँ, भिस्सा भिस्सा कहते हैं, लेकिन इसको मैंने वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, पुरातत्व विभाग लगाया हुआ था। हाँ। उसका उसका मिट गया है पानी से, इस सबसे उसका सब गिर गया था, सब लगा हुआ था बोर्ड जी। तो क्या हुआ, उस पर लिखा था, इसमें खुदाई भी हुआ था, तो मिट्टी का दिया हुआ नहीं जो होता है दीप जो होता है, हाँ हाँ का सब निकला उकला हुआ, अस्थिकरण पाया गया। हाँ हाँ, सब पाया गया। तो वहीं सभी टीला यहाँ पर 24 टीला, और इधर नदी उस पार भी एक दो टीला है, एक मरिया गांव है, वो मौर काल से ही उसको मरिया गांव मौर काल से ही उसका भी मैंने वर्णन है उस गांव का, वहाँ पर भी एक टीला है। ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हाँ, सब पूरा यही सम्राट अशोक का पिलर है, अशोक पिलर जो सब आपके जैसे सब लोग अवेयर है क्या यहाँ पर? क्या मतलब आप कैसे अवेयर हो इन स्थलों के बारे में? आपको जानकारी है, वैसे सभी को जानकारी है इससे? लगभग कुछ ना कुछ तो लोरिया का है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो है उन लोगों का भी जानकारी, लेकिन हम जानते हैं कि 24 टीला है ये। जी जी। हाँ, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, खाली बस यही पुरातत्व 2-4 साल 5 साल पहले सब बस घेर दिया है, देख रहे हैं, बस बाउंड्री मार दिया है, लेकिन कोई चीज़ का डेवलपमेंट का कार्य कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर उधर भी जाइएगा, देखिए वहाँ पर भी जो दिखाई पड़ा गाछ भी जो जी हाँ सब दिखाई पड़ा, वो भी एक टीला है। हाँ। वहाँ पर भी 3-4 टीला, पूरा बाउंड्री उधर गए हैं कि नहीं आप लोग? अभी जाएंगे। नहीं, आप जाइए उसको देखिए, वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ, गिर गया सब दिन से, कोई अब व्यवस्था नहीं, कोई नहीं चल रहा, पूरा एकदम वो भी अपने आप में एक बहुत चीज़ है वो, देखिएगा आप कहिएगा। फिर वहाँ पर करीब करीब 6-7 तो एक ही पास है टीला सर, यहाँ से देख रहे दिखाई दे रहा है। हाँ, जाइएगा आप लोग, जरूर जाइएगा वहाँ पर पूरा पूरा। बाबू जो बोल रहे थे कोई यहाँ का डेवलपमेंट बहुत सर्की से जुटा नहीं, सही सब एकदम सही बोल रहे थे सर, जिस प्रकार से दूसरे जगह है यहाँ पर भी होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। नगर गया, हाँ, गया हो गया, कुशीनगर हो गया, सबका पूरा विकास हुआ, आज कहा का था क्या हो गया, लेकिन उस अनुपात में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। जी जी, आभार सर आपका। आपका नाम सर? पढ़ना पड़ेगा, जुनू कुमार सर, आपका आभार सर, थैंक यू। लेकिन ये जो है बना दिया है हम लोग को, बहुत दुख की खेत की बात है, आप लोग तो मीडिया है, जहाँ तक आप लोग पहुँचाइए, ये जो पुल जो पहले था वो ठीक था उसका, लेकिन इधर नया पर जो बना है उसका आप जाइएगा देखिए, इधर फोर्स कर दिया है। ओके। और पूरा इसका पानी के आके धार, पहले भी छोटा पुल
था ना उस समय भी आप आइएगा आगे से ना तो देखिएगा वहाँ पर जो दिया गया बाउंड्री दिया गया है वो बाउंड्री दिया है तो उसके पानी रोकने के लिए वो दिया गया है जी। हाँ लेकिन इधर आके पूरा ये 6-7 पल एक ठो उसका मुंह था मैंने क्या कहा जाता है कि हाँ ये 6-7 तो दे दिए उसका पानी जब आता है तो पूरा इधर धार मार रहा है पूरा एकदम इतना दबाव बना था भविष्य हम लोग तो डर लगता है हम लोग की ऐतिहासिक ये पिलर है कहीं गिर ना जाए कुछ हो नहीं जाए जिस तरह वो रामपुरवा में ये सब के कहीं हो ना जाए तो आप लोग पहुँचाइए मीडिया आप लोग की पुल का इसका कुछ सुरक्षा बढ़े और थैंक यू सर आभार सर आभार। तो देखिए इस प्रकार से ये सांप मिले थे हमें जो कि बहुत ही जी हाँ यहाँ के हम 2400 जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है जिसके ऊपर पूरी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं बहुत पूरे झाड़ियाँ भर चुके हैं यह प्राचीन बौद्ध स्तूप भी देखेंगे और इनकी भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ के 2-3 स्तूपों में से अस्थियाँ पाई गई थी इस प्रकार का जो वर्णन है स्मिथ ने किया है। अनेक इतिहासकार यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल लगभग 250 से लेकर 300 व्यास का जो यहाँ पर एक स्तूप है मतलब जिसे लोरिया नंदनगढ़ का किला कहते हैं वह स्तूप भी देखेंगे जो वह भी बहुत बड़ा है और उसकी भी हाइट जो है लगभग 70 से 80 फीट की हाइट है उसकी तो वह स्तूप भी देखेंगे और ये छोटे अन्य जो छोटे छोटे स्तूप है वह भी देखेंगे। आइए यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक स्तंभ है सम्राट अशोक इनका जो कि पूरे भारत भर में आपको ऐसे स्तंभ दिखाई देंगे और एज जो हमारा राष्ट्र की जो मुद्रा है जो जिसे सम्राट अशोक का जो ऊपरी शीर्ष स्तंभ का जो शीर्ष है वह हमारी राज मुद्रा है जो कि हमें शेरों का दिखाई देता है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक शेर का यहाँ पर शीर्ष हमें दिखाई दे रहा है उसके ऊपर देखिए शेर विराजमान है और साथ ही साथ ये जो पिलर है पिलर के निचले हिस्से में सम्राट अशोक इनके 6 शिलालेख हैं। ये 6 शिलालेख सम्राट अशोक ने अपने यात्रा के दौरान यहाँ पर लिखवाए थे या धर्म का आदेश देते हैं धर्म क्या है या फिर हम किस प्रकार से रहे हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से कार्य करना होगा हम अगर हमारे कुशल कर्मों का संचय होगा या फिर हम कुशल कर्म करते हैं तो किस प्रकार से हम धम्म के मार्ग पर चलते हैं इस प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर सम्राट अशोक इन्होंने बताई है। तो ये जो आप स्तंभ देख पा रहे हो अभी हम स्तंभ के पास आए हुए और ये साफ साफ सारे के सारे यहाँ पर 6 जो शिलालेख हैं वो साफ तौर पर हमें दिखाई देते हैं और सब में शुरुआत में देवान पियदसी लाजा हेवा अहा ये सब ये लिखा हुआ है हर एक लाइन में यही लिखा हुआ है। ये 6 जो मतलब 6 जो शिलालेख हैं इन 6 शिलालेखों में पहली लाइन यही है और ये साफ तौर पर देखिए एकदम क्लियरली ये दिखते हैं और क्लियरली हम इसे पढ़ सकते हैं पूरे 6 के 6 शिलालेख हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ निचला जो भाग है डैमेज हो चुका है ये देखिए तो यहाँ पर और भी अन्य कुछ जो शिलालेख है बाद के समय में उत्कीर्णित किए गए। देखिए जो स्तंभ है स्तंभ के ऊपर कुछ मुगलकालीन लिपि है और अन्य जो लोग आए थे या फिर जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे उन्होंने भी अपने जो लेख है वो अंकित किए गए। यहाँ पर जो मुगल मतलब यानी कि यहाँ पर उर्दू में जो कुछ लिखा है वो हम यहाँ के युवक जो है सोनू कुमार उनसे जानते क्या लिखा है और मतलब किसके लिए इंडिकेट करता है ये जो भाषा है एक में फारसी और दूसरे में उर्दू में लिखा गया है। इसका इतिहास अगर हम जानना चाहें तो भारत में जब मुगल औरंगजेब का शासनकाल चलता था तो उस समय बिहार उड़ीसा और झारखंड ये तीनों एक राज्य बिहार के अंतर्गत ही आते थे तो उस समय यहाँ दो जमींदारों के बीच झगड़े हुए किए करते वर्चस्व की लड़ाई के लिए तो उसी के सुलह कराने के लिए औरंगजेब यहाँ आए थे और उस समय उन्होंने यह स्तंभ को देखा था क्योंकि ये बलुआ पत्थर का और है और जब भी यहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है तो वो इस चीज़ से देख के काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था तो वो अपनी उपस्थिति आने के समय यहाँ पे अपने शिल्पकारों द्वारा अपना इस उपस्थिति को दर्शाया है जी। तो उनके अनुयायियों ने यहाँ पर इसका जो शिलालेख है वह अंकित किया है कुछ एक चित्र भी यहाँ पर अंकित है एक व्यक्ति का एक राजा का चित्र यहाँ पर अंकित किया गया और देखिए
साथ ही साथ यहाँ पर जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने भी यहाँ पर जो अपनी उपस्थिति दर्शाई है, बोरो जो है यहाँ पर 1792 में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो नाम है वो अंकित किया। स्तंभों के 6 शिलालेखों में से अभी हम यहाँ का दूसरा शिलालेख पढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और इसकी सहायता हमें सोनू कुमार जी करेंगे क्योंकि यह इस विषय में रुचि रखते हैं। देखिए जो दूसरा शिलालेख है वह देखिए यहाँ से जो दूसरा शिलालेख है, जो शिलालेख की शुरुआत होती है, देवान पिय पिय दस्सी लाजा लाजा हेव आहा, यह शुरुआत होती है। उसके बाद में यहाँ पर सम्राट अशोक जो है आगे क्या लिखते हैं, धम्मे साधु कियंचु धम्मे ती अपासिनवे बहुकायेन दया दाने सचे सोचये चखुदाने पीमे बहुविदे दीने दुपदं चतुपसुदे पखीवाली च लेसु विविधे मे अनुगहे कटे आ पान दाखिनाए अनानी पीच मे बहुनी काया नानी कटानी एताए मे अथाए इयं धम्मलिपि लिखिपिता एवं अनुपटि पंजुति लिख ती तिका च होतु तिति ये च हेव सप टी पजी सती से सुकटं कच्छति। यह इस प्रकार का शिलालेख है और यहाँ पर सोनू जी आपको अभी हमने जो पढ़ा है उसकी जानकारी देंगे। क्या आपको लगता है ये जो शिलालेख लिखा है दूसरा शिलालेख अशोक द्वारा ये धम्म लिखी गई है कि देवना में पियदर्शी कहते हैं कि आज राजस्वी के 27वें वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में ये घोषणा की जाती है कि मेरे मगध क्षेत्र के अंतर्गत द्विपद मतलब दो पैर वाले चतुर्पद चार पैर वाले चतक हंस हंस चतक वो छोटे छोटे जीव जो पालतू हैं जिनकी हत्या करना वैध होगा। तो यहाँ पर देखें सही कह रहे हैं सोनू कुमार जी, यहाँ पर सही कह रहे हैं। यहाँ पर देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसे कहते हैं कि धम्म श्रेष्ठ है, लेकिन धम्म क्या है यह सबको समझने की ज़रूरत है। ये पहले ऐसे शासक है देश के और दुनिया के जो लोगों को धम्म क्या है यह बताते और धम्म समझाते। तो सम्राट अशोक इस शिलालेख में कहते हैं धम्म यानी क्या, जो अकुशल कर्म जो मतलब बुरे काम है उससे हम दूर रहे और अच्छे काम करें, दया करें, दान करें और सत्य की वाणी रखें। इस प्रकार की जो बात है यहाँ पर सम्राट अशोक अपने दूसरे शिलालेख में कहते हैं। और जिस प्रकार से सोनू कुमार जी ने कहा दो पैरों के जो प्राणी है, चार पैरों के जो प्राणी है, पक्षी है जो जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे जो जीव है उनके ऊपर आप दया करें, उनके उनको भी आप कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वह दें, और इस प्रकार से अनेक जो कुशल कर्म है वह हमें करना जरूरी है। और सम्राट अशोक कहते हैं कि ऐसे अनेक कुशल कर्म जो है वह हमने किए हैं। तो इस प्रकार का जो धर्म लेख है यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा लिखा गया, और ये सारे धम्म लेख ही है। इसी प्रकार के जो लेख है मतलब इसी प्रकार की जो बातें हैं, एक महान सम्राट के तौर पर सम्राट अशोक ने इस पिलर के ऊपर लिखवाई है। तो अभी हमने यहाँ का जो सम्राट अशोक इनका जो स्तंभ है वह देखा है, और साथ ही साथ ही क्षेत्र देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बाढ़ आती है उस समय पे क्या हालत होती है हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं जब शाम को यहाँ पर आया था, रात को मैं सोनू कुमार जी के घर पर ठहरा था, तो सोनू कुमार जी यह बात बता रहे थे ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में दो घर डूब जाए, दो मंजिला इतना पानी भरता है, हर साल पानी भरता है। और यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पर इसे सुरक्षा या फिर इस जो पानी है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते है ना सोनू कुमार जी। तो और जिस प्रकार से जो स्थानीय आए थे उन्होंने कहा कि जो यहाँ का जो पानी बहता है, जो बाढ़ में पानी आता है उसका जो मुँह है इसी तरफ ये लोग ने मोड़ दिया है, और इस प्रेशर से जो पानी बहाव रहेगा उस बहाव से आने वाले समय में गांव वाले जो स्थानिक है मतलब देखा आपने कितना अवेयर है यहाँ के लोगों में, तो उनको यह इस बात का डर है कि आने वाले समय में ये जो प्राचीन ऐतिहासिक जो स्तंभ है जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया उन्हें ये बात भी पता है यहाँ से रामपुरवा में जो स्तूप है यहाँ से करीबन रहेगा वो
25-30 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। वो जो स्तूप है, वो सॉरी वो जो स्तंभ है, वो स्तंभ किस प्रकार से गिरे ठीक उसी प्रकार से यह भी क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो एक टीला है, अब आपको दिखा दे यहाँ का जो पहला टीला देखिए, अब यहाँ पर पूरा पानी जम चुका है, इसे संरक्षित किया गया। यहाँ पर थोड़ी सी देखिए परेशानी हो गई हमें, हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि पूरी दलदल है। ये जो पूरी दलदल वाला क्षेत्र देख पा रहे हो, पूरा पानी भर चुका है। तो यह पहला जो स्तूप है इस प्रकार से पूरे झाड़ियों से भरा हुआ है, और इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा देखिए कुछ साल पहले यानी कि 4-5 साल पहले यहाँ पर इसे बाउंड्री मार दी गई है। यहाँ पर का जो पहला स्तूप है वह हमने देखा, तो वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते, इतनी दलदल है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत गंदगी है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर प्रसादन करने के लिए यहीं पर आते हैं, तो बहुत गंदगी इस क्षेत्र में फैली हुई है पूरे। और ये जो स्तूप है ऐसी जगहों पर है, और स्तूपों की हालत तो आप देख लीजिए, अभी धूप है, धूप में भी जो यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने में इन स्तूपों के ऊपर झाड़ियाँ भरी हुई है। ज़रा संभल कर ये देखिए, यहाँ पर एक भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है इस बोर्ड के अंदर, आप आम साफ तौर पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये टीले मिट्टी या कच्ची ईंटों के बने स्तूप है जिन्हें पक्की ईंटों से मजबूत किया गया है। इनमें से दो स्तूपों में देखिए वो एक शब्द कट गया है, राख और आदमी की जली हड्डियों के साथ सोने के पत्थर पर बनी देवी की मूर्ति, पत्थर पर बनी देवी की मूर्ति पाई गई थी। ऐसी मूर्ति पिंपरवा या पिंपरवा जहाँ पर स्तूप है बस्ती जिला के बौद्ध स्तूप से भी मिली थी। इस प्रकार की जो जानकारी यहाँ पर स्तूपा माउंट करके उन्होंने उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय पुरातन विभाग के जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट होता है सुरक्षा का, वह यहाँ पर संरक्षित स्मारक का एक्ट यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर 3 बोर्ड लगाए गए, ये जो स्मारक है इसका महत्व जो है अमूमन इनमें बताया जाता है। देखिए ये जो स्मारक है आप यहाँ से देख सकते हो, स्मारक आपको दिखाई दे रहा है, टीला जो है ऊपर से ढह चुका है थोड़ा बहुत, और जो जितना बचा कुचा है वो इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हम इन सब स्तूपों की ड्रोन से व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप के सामने और एक स्तूप है, देखिए यहाँ पर हमें वो बड़ा झाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक साहू जैन नाम का विद्यालय है, और यहीं पर ये जो एक और एक स्तूप जो है इस प्रकार से बस्तियों के बीच में घिरा हुआ हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार के अनेकों यानी कि जिस प्रकार के यहाँ के जो स्थानिक है इनका कहना है कि 24 टीले यानी कि 24 स्तूप यहाँ पर है उसमें से एक है। तो यहाँ के हम सारे एक एक करके आपको दिखाएंगे, और यहाँ का जो महास्तूप है वह भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए